हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी नाइट ड्यूटी ख़त्म हो गई है और मैं ड्यूटी से अभी घर जा रही हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल है, तो अभी मैं निकल गई हूँ घर के लिए और फिर मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ। अभी मैं नीचे जा रही हूँ और फिर देखते हैं कौन आया है मुझे लेने के लिए। तो अभी हम घर जाएंगे और घर जाने के बाद मुझे आरू को स्कूल छोड़ने भी जाना है, क्योंकि वो कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मामा आप मुझे स्कूल छोड़ने चलना, केवल पापा जाते हैं। तो मेरी नाइट ड्यूटी ख़त्म हो गई है और मैं मतलब फ्री हूँ आज, तो मैं जाऊँगी उसको छोड़ने के लिए। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ गई हूँ और यहाँ हमारी पंचिंग होती है, तो अभी हम यहाँ पे पंच करेंगे और उसके बाद से फिर हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से पंच करने के बाद मैं निकल गई हूँ और ये देखिए आरू यहाँ बैठा है, मुझे लेने के लिए आया है। अरे गुड मॉर्निंग दी, आप यहाँ कहाँ बैठे हो भाई साहब? नहीं कोई बात नहीं, आप आगे आगे खड़े हो जाओ ना, आगे खड़े हो जाओ आप, आराम से आराम से। आज हम जाएंगे आरू को स्कूल छोड़ने, है ना? आरू मुझे ड्यूटी छोड़ने जाता है, हम आरू को स्कूल छोड़ने जाएंगे। ओके, बैग बैग दे दीजिए आरू का। हाँ बेटू, हाँ निकाल लो चॉकलेट लो। आरू जब आपको रोना आएगा ना, आप चॉकलेट खा लेना, ठीक है? हाँ, जब मम्मा की याद आएगी आपको तो आप चॉकलेट खा लेना और हम आप ना जब बुलाओगे हम तुरंत आ जाएंगे आपको लेने। ओके ठीक है। हाँ, और इसमें टिफिन है, आप टिफिन फिनिश कर देना पूरा, ठीक है? चलो ठीक है, अब मैं जाऊँ। आप स्माइल करके मम्मा को बाय बोलना, ठीक है? रोना नहीं, आप रोगे तो मम्मा को भी रोना आएगा ना, ठीक है? चलो ओके बाय। हाँ आप खा लो, आपको रोना आ रहा है क्या? आरू बाय। थोड़ा थोड़ा रोना तो आ रहा है उसको। हाँ हम बाहर बैठे हैं, ठीक है? हाँ हम यहीं बैठे हैं, ठीक। हाँ तो अभी हम आरू को छोड़ के घर पे आ गए हैं और घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, पहले आरू रहता था तो घर में थोड़ा सा अच्छा लगता था, अब तो आरू भी चला गया और उसको अभी मैं छोड़ के आई। और वो उसका चेहरा तो बन गया था, एकदम रोने रोने को हो गया था, लेकिन फिर भी उसको चॉकलेट दिलाया, क्रैक्स दिलाया, कुछ कुछ दिला के ऐसे ही उसको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एक दो दिन ही हो रहा है, तो उसका अभी मन नहीं लग रहा है। तो अभी उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा देना पड़ता है चॉकलेट, कि वो रुक जाए। कह रहा था कि मम्मा आप यहीं रुको और जब मैं बुलाऊँगा फिर आप आ जाना। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, आप बोलना। तो अभी हम जा रहे हैं, खाना बनाएंगे दोपहर का, पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ड्यूटी से आते ही मैं तुरंत नहाई ब्रश करी, उसके बाद से कपड़े चेंज करके बिना कुछ खाए पिए फिर हम आरू को छोड़ने चले गए थे। तो अभी जाते हैं, पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर दोपहर का खाना बनाएंगे, फिर प्लान करेंगे क्या बनाना है दोपहर में। कौन कौन है भाई ये? आया है मम्मी। क्या आया है? चीपा चिप्स आया है। चीपा चिप्स आया है? और इधर आओ तो मेरे पास आओ, इधर आओ। आप स्कूल में रो रहे थे? नहीं।
नहीं रोया? मम्मा की याद नहीं आई? नहीं। अच्छा, चॉकलेट खा लिया? हाँ। अच्छा, कब खाया? कब खाया? कुछ घंटे तेरी बात रही थी। इधर आओ बेटू, आपने लंच क्यों नहीं किया? घंटी बज गई थी। घंटी बज गई थी, अच्छा। तो अभी दोपहर के खाने में मैं जा रही हूँ बनाने पराठा और आलू बैंगन का भरता, इसे बिहार में चोखा भी बोला जाता है, तो वो भी मैं बनाऊँगी। और यहाँ पराठा बनाना मैंने शुरू भी कर दिया है। और फिर पराठा बनाने के बाद यहाँ मैंने दो बैंगन लिया है, इसका मैं भरता बनाऊँगी और चोखा जो भी कह लीजिए आप, तो एकदम बिहारी स्टाइल में इसको हम बनाएंगे आज। तो सबसे पहले मैंने बैंगन को धो करके इसे अच्छे से पानी सब सुखा लिया है, और इसका हम इस तरह से कट लगा देंगे। यहाँ मैंने दो टमाटर भी ले लिया है, और फिर इसको हम धीरे धीरे गैस पे रख के भूनेंगे। और फिर कट लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। बैंगन और टमाटर सब में हम लगा देंगे सरसों का तेल। तो यहाँ गैस पे मैंने रख दिया है बैंगन को भूनने के लिए। और चलिए दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं इसके कुछ मसाले के लिए। तो यहाँ मिर्चा, लहसुन और अदरक और नमक इसमें हम डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो पेस्ट बन चुका है, और ये मेरे पास चॉपर है, तो इसमें हम प्याज को चॉप कर लेंगे। दो से तीन प्याज मैंने इसमें ले लिया है, और इसे हम अभी चॉप कर लेंगे अच्छे से। प्याज बिल्कुल बारीक कट चुका है, और बैंगन भी तब तक भुन गया अच्छे से। अब हम इसे उतार लेते हैं, और इसे उतारने के बाद हम इसे ठंडे पानी में रख देंगे ताकि इसका छिलका बिल्कुल आसानी से निकल जाए। और फिर हम इसी गैस पे टमाटर को रख देंगे, और इसे भी भून लेंगे हम ऐसे ही। तो टमाटर भी अभी हो चुका है, इसे भी हम निकाल के और पानी में डाल देंगे। फिर हम इसके छिलके उतार करके इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और फिर आलू ले लेंगे, उबले हुए आलू, और फिर इसमें सारी चीज़ों को हम मिला करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल और नींबू लास्ट में ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। हमारे साइड में लोग इसे बहुत अच्छे से खाते हैं, बाटी और चोखा इसका कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप पराठे के साथ भी ले सकते हैं, या फिर चावल दाल के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ हमारा चोखा बनकर रेडी हो गया है, देखिए बहुत ही टेस्टी है। तो अभी खाना बनाने के बाद ये देखिए कितने गर्मी, कितना पसीना हो गया है। और सना के कुछ कपड़े धोने हैं, यूनिफॉर्म जो कि उसको कल पहनना है, तो मैं जा रही हूँ उसको भी वॉश कर दूंगी, फिर मैं नहा लूंगी और रेडी हो जाऊंगी नाइट जाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं। तो अभी मैं ड्यूटी आ गई हूँ, और अभी रात के 11 बज रहे हैं। ड्यूटी तो मैं वैसे 8 बजे ही आ गई थी, और फिर हैंडओवर लेने के बाद फिर सब मेडिकेशन करना और भी कुछ काम होते हैं, तो वो सब करने के बाद फिर हम 11 बजे अपने काउंटर पे आ गए थे। और फिर मैं सेंसस क्लियर कर रही थी, देख रही थी कितने पेशेंट आए गए, और ये सब फिर हम लोग को कैलकुलेट करके और फिर लिखना पड़ता है। तो चलिए फिर ये सब काम तो चलता ही रहेगा, ड्यूटी, घर, ये सब तो लगा ही रहेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। गाइस, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।